मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं लगा रही हूँ नीम फेस पैक। किसी भी फेस पैक में ना अगर नीम है, विटामिन सी है, या टी ट्री है, या एप्पल साइडर विनेगर है, ये सब चीजें ना स्किन के लिए बहुत अच्छी होती हैं। अगर आपकी पिंपल प्रॉन स्किन है, आपकी ऑयली स्किन है, तो बहुत ही अच्छा रहता है। मुझे तो नीम बहुत ज्यादा सूट करता है, तो ये हिमालया का नीम फेस पैक है। ये वाला जो है ना नीम फेस पैक, इसमें ना ऐसे थोड़े थोड़े ना सिर्फ ग्रैनुअल्स दिए हुए हैं, मतलब बीट्स टाइप का आपको दिख रहा होगा। ये देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इसका फायदा ये है ना कि जब इसको मैं फेस वॉश करूंगी ना, तो इससे स्क्रब भी अच्छे से हो जाएगा। भैया धनिया है, धनिया दे दो। और भिंडी होगा? भिंडी, हाँ भिंडी भी दे दो। आम भी है, आम कौन सा वाला है? सिंदूरी है और बैगन फली। बैगन फली है, दिखाओ। कितना बैगन फली? 80 रुपये। 80 रुपये ये वाला 70। ये कर दो 1 kg। अच्छा एक बास्केट दे दो, मैं साइड में करता हूँ। आप ये वाली बुक लेकर के बैठी हूँ। जब भी मन उदास होता है या टेंशन होती है, अगर आप कुछ भी नेगेटिव सोच रहे हो, आपको लगता है कि सोच से बाहर कैसे निकले, तो ये बुक बड़ा काम में आता है। इसका एक चैप्टर भी पढ़ लीजिए ना, तो काफी हिम्मत मिलती है। और आप लोग कहते हो कि अभी डेली व्लॉग क्यों नहीं कर रहे हो, सोना डेली व्लॉग करो। लेकिन अभी मैं नहीं कर रही हूँ ना जानबूझ करके, क्योंकि अभी जो फेज है ना इंडिया में, बैंगलोर में खास करके, अभी ना बहुत ज्यादा टेंशन होती है। अभी हर दिन एक जैसा फील नहीं होता। और मैं झूठ नहीं बोलूंगी कि मैं खूब खुश हूँ, खूब पॉजिटिव फील कर रही हूँ। मैं ट्राई पूरा करती हूँ, कुछ पोर्शन ऑफ डे का जो टाइम है उसमें कर लेती हूँ, फिर कुछ टाइम होता है जो मैं भी उदास हो जाती हूँ, जो कि भी बहुत ही ज्यादा कॉमन है, होना ही है, टेंशन होनी है। और मैं ही नहीं, अंगद का भी वैसा ही हाल रहता है। अभी कल का देखिए, उसने बहुत सारे आर्टिकल पढ़ लिए, वो जो ब्लैक फंगस का केस आ रहा है, गुजरात में बहुत सारे केस है, तो उसने वो सब न्यूज देखा तो मुझसे शेयर करा था, और बहुत परेशान था कि गुजरात में ब्लैक फंगस है, ये हो गया है, वो हो गया है। और एक पहचानने वाले हैं दिल्ली में है, उनका भी अभी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। तो मतलब ये सब समझ लेना, आप मैं क्या बताऊं, आपके आप भी सुन ही रहोगे। तो ये सब चीजें होती रहती हैं, उससे मूड एकदम डाउन हो जाता है। इन सब चीजों के बीच ना व्लॉग बिल्कुल भी फिट नहीं आ पा रहा है, इसीलिए मैंने अल्टरनेट कर दिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं व्लॉग में आके आपको वही बताऊं जो ऑलरेडी आप महसूस कर रहे हो। मुझे क्वेश्चन आता है कि आपने गैस पाइपलाइन कनेक्शन कैसे किया है, तो ये देखिए अंदर की तरफ से मैंने लिया हुआ है, तो ये अंदर से आता है और बाहर की तरफ चला जाता है। और बाहर की तरफ में जो मेरा स्लैब है उसके नीचे में मैंने कैबिनेट्स दी है, वहां पे सिलेंडर लगा हुआ है। तो इस तरीके से हॉब से नीचे से कनेक्ट होता है, पीछे के साइड जाता है और सिलेंडर को कनेक्ट हो जाता है। और यहाँ पे मैं वैक्यूम क्लीनर भी रखती हूँ। उसके अलावा यहाँ पे मैंने कोई स्लैब इसलिए नहीं बनाया था कि मैं यहाँ पे वैक्यूम रखूं, बाद में जब डिशवॉशर आ जाए, तो पहले से ही मैंने इसकी प्लानिंग कर रखी थी। मीटिंग खत्म हुई, मैंने कहा इधर आओ मेरे व्लॉग में तो आओ, कल भी नहीं आए थे व्लॉग में। काफी टाइम हो गया, अच्छा सा टाइम मैंने व्लॉग में स्पेंड नहीं किया है। ठीक है अंगद जी, आप हमारे व्लॉग में आज आए हैं, तो पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। और गिफ्ट टाइम पर मिलेगा अगर आप हमारी थोड़ी मदद कर सकते हैं तो। जैसे कि क्या मदद? मुझे नहीं लग रहा आप लायक है मदद करने के, पर ठीक है फिर भी हम आपको कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि आप एक लौते गेस्ट अपीयरेंस है जो हमारे ब्लॉग में आते हैं। तो कोई आ भी नहीं सकता, अभी कोई नहीं आ सकता है। तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे कि माहौल अभी बहुत ही नेगेटिव चल रहा है ना, कल हम भी थोड़ा हो गए थे वो ब्लैक फंगस को लेके, खैर उस चीज को ओवरकम कर चुके हम, तो क्योंकि ओवरकम कर चुके तो आप हमारे व्यूअर्स की थोड़ी हेल्प करिए, आप कुछ पॉजिटिव बातें बताइए हमारे ब्लॉग में। हाँ देखो, सबसे पहली पॉजिटिव बात है कि आप नेगेटिव रहो। जी जी, कोविड नेगेटिव पीजिए, ये तो पॉजिटिव बात हो गई। ठीक है, कुछ जोक्स अपार्ट,
हाँ कुछ कुछ तो सिखाइए, सलाह दीजिए, हम भी अच्छा महसूस करें, कुछ बताइए। हाँ ठीक है, हम लोग मतलब बचपन से मैं आर्ट ऑफ लिविंग और श्री श्री रविशंकर का मतलब फॉलोवर रहा हूँ। बचपन से मैंने डेली बेसिस पे देखा है, क्योंकि मेरी मॉम जो है वो आर्ट ऑफ लिविंग टीचर थी। एक अच्छी बात वो बोलते थे जो हमको आज के ज़माने में इस टाइम पे हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो फॉलो करना चाहिए, वो है, वो कहते थे कि विन और लूज जस्ट सेलिब्रेट। तो आज के ज़माने में हम लोग कितना कुछ लूज कर रहे हैं, हम लोग घर पे बैठे, हम अपनी इवेंचुअली अगर देखा जाए तो हम अपनी फ्रीडम लूज कर रहे हैं, हम पर फिर भी हमको तरीके ढूंढने चाहिए कि हम खुश रहें, सेलिब्रेट कर पाए। तो आप ये फॉलो करते हैं, सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं? हाँ, मैं अपने आप को खुश रखने के लिए पॉजिटिव चीज़ें ढूंढते रहता हूँ। कोई भी चीज़ लॉस होती है, कोई चीज़ नेगेटिव होती है, तो उस मोमेंट पे तो ऑब्वियसली बुरा लगता है, पर इवेंचुअली उसे आउटकम करने के लिए, उसे बाहर आने के लिए कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव लाइट ढूंढनी पड़ती है, कहीं से एक लाइट देखनी पड़ती है कि हाँ ये चीज़ तो है मेरे लिए लुक फॉरवर्ड करने के लिए, तो वही देख के आगे बढ़ते रहते हैं। कौन सी चिड़िया आएंगे ये बताओ? ये तो कोयल आई, टकली है छोटी वाली, छोटी छोटी स्पैरो, हाउस स्पैरो बोलते हैं उसको, हाउस स्पैरो। हाँ, अभी तो कोयल आई, स्पैरो या हाउस स्पैरो, मुझे कोयल अच्छा लगता है और कौवा, दोनों दोनों कॉन्ट्रास्ट है। कौवा तो एकदम ही नहीं मेरे अच्छा। अंगद बोलता है, तुम आवाज उसका, अंगद कहता है कि पहली इंसान देखिए जो कौवे की आवाज अच्छी लगती है, मुझे बहुत और अच्छी लगती आवाज है, से तुमको नींद भी आता है, ये सबसे फनी बात है। अरे मेरे नानी घर में दोपहर में नींद उड़ जाती है। अच्छा मुझे तो खराटे से भी नींद आती है, तो हुई भी है, क्या करे, थोड़ा मेरे लिए अच्छा है। हाँ। मैं कभी कभी खराटे मारता हूँ और मुझे नींद अच्छी आती है, मैं सच में ये पहली इंसान हूँ जो खराटे सुन के नींद अच्छी आती है। चलिए बनाते हैं लंच। तो लंच में बना रही हूँ आज पालक आलू की टिक्की। उसके लिए मैंने यहाँ पे बेसन लिया है और पालक का मैंने एक पेस्ट बना लिया है। आप चाहे तो पालक को पहले बॉईल कर ले, उसके बाद उसका पेस्ट बना ले। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली ही पेस्ट बनाया है क्योंकि वैसे तो ये पक ही जाना है। फिर मैंने यहाँ पे आलू बॉईल कर लिया है और यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स भी कट कर लिए हैं ग्रेवी के लिए। तो सबसे पहले हम लोग बेसन में डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर। उसके बाद आलू को इसमें डाल देंगे और जो पालक की प्योरी बनाई है उसको भी इसमें डाल देंगे। आपको ध्यान रखना है अचानक से ज़्यादा मत डाल दीजिएगा प्योरे, जैसे कि मैंने किया है। मैंने ज़्यादा डाल दी, उसकी वजह से थोड़ा सा ये गीला हो गया था। वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर थोड़ा सा भी ये गीला लगे तो आप ऊपर से और बेसन इसमें डाल दीजिए, उससे ये थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने और बेसन इसमें डाल दिया है। उसके साथ में यहाँ पे मैंने थोड़े से कटे हुए प्याज भी डाल दिया है। उसके बाद इसकी हम गोल गोल टिक्की बना लेंगे। टिक्की जब बन जाए उसके बाद हमें इसे रवा में लपेटना है। तो इस तरीके से रवा में लपेट लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पैन को हीट कर लेना है और उसमें डाल दिया मैंने थोड़ा सा तेल। जब तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसे हमें पैट फ्राई करना है, डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। इधर ग्रेवी बनाने के लिए मैंने पैन में डाल दिया थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। जब ये थोड़ा गर्म हो जाए तो इसमें डाल देंगे जीरा, सूखी लाल मिर्च, कटे हुए ग्रीन चिल्ली और यहाँ पे गार्लिक भी डाल दिया है मैंने, और साथ में डाला है हींग। अभी गार्लिक को मैंने बारीक नहीं काटा क्योंकि इसका बाद में हमें पेस्ट बनाना ही है। और इस तरफ में हमारी टिक्की भी बन करके ऑलमोस्ट तैयार हो गई है, तो दोनों तरफ से मैं इसे सेक ले रही हूँ। Thank you.
कौन कौन सा है? दो ऑरेंज का है, बिल्कुल भी मेल्ट नहीं हुआ है। लेकिन मुझे ऑरेंज वाला अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे अमूल का भी जो आता है ना ऑरेंज वाला, वो अमूल का बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ज्यादा। और अमूल तो बहुत सस्ता भी होता है ना, वो 100 रुपीज में कितना पड़ा देते हैं? 100 रुपीज में आई थिंक सो 150 ग्राम देते हैं। अरे वाह, इसमें डिजाइन बनी हुई। डोंट टेल मी कैसा भी नहीं और हमने इतना बेकार का पैसा फेंका। अच्छा है, बहुत टेस्टी। ऊटी कैसा है? थोड़ा डार्क है, थोड़ा बिटर है उससे। अच्छा है। बेस्ट पार्ट है ये ग्लूटेन फ्री है। जैसे कि बड़ा ना हम डाइट फॉलो कर रहे हैं। अभी अभी आम खाया है हमने, दो बड़े बड़े। क्या कर रहे हो? पानी से पानी देते हैं। ये हमने अमेज़ॉन से मंगाया है ड्राइंग बुक, ताकि हम इसमें कुछ कुछ ड्रॉ करते रहे। और हमने डिसाइड किया कि कुछ ड्राइंग्स हम ऐसे बनाएंगे जो एकदम बच्चे वाले ड्राइंग हो, मतलब जब बच्चे ड्रॉ करते हैं तो कैसे करते हैं वैसे होने चाहिए। तो मैंने सोचा कि मैं पहला ड्राइंग ये बनाती हूँ। तो ये जो मग है मेरे पास, इसमें ये दोनों कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और ये थोड़ा बहुत वैसा ही है जैसे बच्चे ड्रॉ करते हैं, तो वो मैंने बनाया है। मैं दिखाती हूँ आपको, ऐसा कुछ दिख रहा है। अब इसमें मैं कलर करूँगी। इसके जो बाल है वो कुछ ज़्यादा ही ख़राब बन गए, आई एम श्योर बच्चे इससे बेटर बनाते होंगे। ऐसे कुछ हेयर थे उसको मैंने पता नहीं क्या कर दिया है, पर ये शर्त थी कि इरेज़र यूज़ नहीं करना है। तो अंकित ने कहा था कि बिना इरेज़र यूज़ किए जो तुम बना सकते हो वैसा बनाओ। तो ये मैंने एकदम वैसा ही बनाया है जो आई थिंक 6 या 7 ईयर्स के बच्चे बनाते होंगे। और अब इसको मैं करूँगी कलर। मेरा ड्राइंग वाला तो हो गया, अब अंगद अपना बना रहे हैं। तो अंगद, किड्स चैलेंज में आप क्या बना रहे हैं? मैं सनफ्लावर और एक हनी। अरे वाह, और बहुत सुंदर बनाया है सनफ्लावर। क्या बना है? हाँ, सुंदर बनाया है। और हाँ, इरेजर नहीं यूज करना है। हाँ, नो इरेजर, देखो। हाँ, पर तुम्हारा अच्छा लगेगा, आई एम श्योर अच्छा लगेगा। और हनी कलर तो मैं नहीं कर पाऊंगा। हाँ, क्यों नहीं कर पाएंगे आप कलर? आई कांट टॉलरेट स्केच पेन दैट फीलिंग दैट कर 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 कर, वो जो खुड़खुड़ खुड़खुड़ आवाज करता है ना, उससे अंगद के दांतों में कुछ होने लगता है। हाँ। और चौक से भी होता है बहुत लोगों को। हाँ। चौक मतलब तभी होता है जब वो ची 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 आवाज नहीं करता है। नहीं, वैसे तुम बनाओ और मैं इसके बाद अच्छे अच्छे कलर भरूंगी। उसके बाद इसमें ऑप्शन कम है कलर के, क्योंकि इसमें येल्लो ही हो सकता है बस। येल्लो, ब्राउन, ग्रीन, ब्लू, थोड़ा सा ब्लू है ना उसका।